बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी होना आम बात है, पर इसके लिए एक मैं आज होम रेमेडी लेकर आई हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी और अच्छी लगेगी, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं जो हम होम रेमेडी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ले लेंगे एक पुराना सा तवा, जो आप नॉर्मली जो चीज़ें हैं गर्म करने के लिए रखते हैं। मैं ये जो रेमेडी बनाने जा रही हूँ मोस्टली जो है इस तवे पर बनाती हूँ। तो आप कोई भी जो ऐसा तवा है आप जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आप उसमें इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जितना आप स्टोर करना चाहते हैं, और ऑयल के हिसाब से यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अजवाइन, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है सर्दी में, खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम भी देगी बच्चों को। तो यहाँ पर गैस ऑन है, तो हमें जो है अजवाइन को अच्छे से गर्म करना है, इसको ब्लैक कर लेना है, जब तक कि तेल का कलर भी डिफरेंट ना हो जाए और अजवाइन भी ब्लैक ना पड़ जाए, तब तक हम इसको जो है भून लेंगे। और इसकी जो गर्माहट होती है या फिर इसका जो धुआं होता है वो भी हमारे जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पर अच्छे से जो है इसको गर्म कर लेंगे, उसके बाद की रेमेडी मैं आपको बताऊँगी इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है, आप इसको मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, जब तक ये तेल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हिलाते रहेंगे और बिल्कुल ब्लैक कर लेना है हमें अजवाइन को। यहाँ पर मैंने कम तेल लिया है, आप ज़्यादा तेल भी ले सकते हैं, और इसको जो है आप एक डिब बंद शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर अजवाइन पूरी ब्लैक हो गई है, यहाँ पर मैंने जो है गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद इसमें जो है हम हींग को डालेंगे। हींग आप ऐसे ले सकते हैं, 2 से 3 चुटकी हींग की डालनी है, और ये सारे मिक्सचरण को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब भी आप इस मिश्रण को यूज़ कीजिएगा तब इसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं, जैसे कह सकते हल्का सा गुनगुना करके जो है फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, और उसके बाद जो है इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है, जब भी आपके बच्चे को सर्दियाँ खांसी है या फिर सर्दियों का मौसम है, इसको आप जो है हल्का सा गुनगुना गर्म करके उनके जो है छाती पर लगाइए, हल्का सा जो उसके तलों पर, हाथ पैर के तलों पर इससे जो है हल्का सा लगाकर इसको रात भर छोड़ दीजिए। आपका जो बलगम जमी हुई है बच्चों के जो छाती में वो भी बाहर आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तेल है ये, यहाँ पर मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप इसको जो है छान कर डाल सकते हैं, और इसको जो है जब भी यूज़ कीजिए हल्का गुनगुना करके इसको आप यूज़ करके रख सकते हैं। बहुत टाइम के लिए स्टोर हो जाता है और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, जब तक तेल ख़त्म नहीं होता तब तक इसकी जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और इससे जो है छाती में बलगम, खांसी और सर्दी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। इसको आप जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।